दोस्तों आज अपन बात करते हैं गणितीय संक्रियाएं होती हैं, गणितीय संक्रियाएं जैसे किस प्रकार प्रश्न पुटर किए जाते हैं। तो मैथमेटिकल ऑप्शन, मैथमेटिकल क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। तो देखिए आज अपन इस टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है मैथमेटिकल ऑप्शन या गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटर किए जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन चलते हैं, हालांकि ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, एक ही क्लास का टॉपिक है। तो देखिए अपन चलते हैं गणितीय संक्रियाएं। टॉपिक लिखिए गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। देखो गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे आपको गणित के चिन्ह होंगे, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, वो चार चिन्ह होते हैं। प्लस का होता है, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, फोर्थ आपका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो इसमें आपने रूल पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लासों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टेंथ क्लास तक पढ़ा होगा आपने बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको क्या इसमें चलना होगा, अगर आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार नहीं चलते हो, बोर्ड मास के नियम के अनुसार नहीं चलते हो तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत होगा। क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो आज आपको बेसिकली मैं बोर्ड मास के नियम के बारे में बताऊंगा कि बी का क्या होता है। तो देखो दोस्तों लिखिए बोर्ड मास का नियम क्या होता है, गणित की संक्रिया पढ़ने से मैं इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास। देखो व्हाट डू मीन ऑफ बोर्ड मास, तो इनमें प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक अल्फाबेट का क्या होता है, एक मीनिंग्स होता है। प्रत्येक अल्फाबेट का क्या होता है, एक मीनिंग्स होता है। उस मीनिंग्स के आधार पर क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखिए, आप सबसे पहले लिखिए बी। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, बी का अर्थ क्या होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ क्या होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ क्या होता है का क्या अर्थ होता है गुणा, का क्या अर्थ होता है गुणा। मैं आपको बताऊंगा कि का कहां आएगा, ऑफ कहां आएगा, डी कहां पे यूज करना है। अब देखो डी का अर्थ होता है डिवाइडेड, डी का अर्थ क्या होता है डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब होता है भाग, डिवाइडेड मतलब क्या होता है भाग, ये इसका सिंबल हो गया। फिर मैं बात करूं एम, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, एम का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्या हो गया गुणा। फिर मैं बात करूं ए की, ए का मतलब क्या होगा आपका एडिशन, ए का मतलब क्या होगा आपका एडिशन, एडिशन का क्या होगा आपका जोड़, एडिशन क्या होगा आपका जोड़। फिर मैं बात करूं एस की, एस का मीन्स होता है सबट्रैक्शन, F का मीन क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, यानी बाकी, बाकी बोलते हैं इसे या घटाव बोलते हैं। ये तो देखो बोर्ड मास का रूल का नियम होता है, इस B का क्या होता है ब्रैकेट। अब बात करते हैं ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों देखिए ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। देखो B कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के, एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका ये और एक आपकी ये। देखो ये चार टाइप के होते हैं, इसे अपन नाम देंगे रेखा बंधनी, रेखा बंधनी। क्या नाम दिया अपन ने, रेखा बंधनी हो गया। ये सबसे पहला नंबर है, दूसरा नंबर है छोटा ब्रैकेट, दूसरा कौन सा नंबर है छोटा ब्रैकेट, तीसरा है मझला ब्रैकेट, तीसरा कौन सा है मझला ब्रैकेट, फोर्थ नंबर है बड़ा ब्रैकेट, फोर्थ नंबर है बड़ा ब्रैकेट। तो ये सबसे पहले ब्रैकेट का खुलेगा, सबसे पहले आपके इक्वेशन में ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले क्या खुलेगा ब्रैकेट, सबसे पहले रेखाबंदी होगी। रेखाबंदी का अर्थ होता है कि लाइन, ये से आपको लाइन दी होगी, ये लाइन का मीन क्या होगा रेखाबंदी होगी। फिर आपका छोटा ब्रैकेट खुलेगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका मझला ब्रैकेट, फोर्थ नंबर पे आपका क्या खुलेगा बड़ा ब्रैकेट खुलेगा। देखो बी की अपन ने बात कर ली, अब मैं बात करूं ओ की, मैं बात करूं ओ की, तो ओ का मीन मैंने आपको क्या बताया था ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है क्या, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं बात करूं 23 ऑफ 30%, 23 ऑफ 30%, तो यहाँ ऑफ का मीन्स होगा मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन्स क्या होगा मल्टीप्लाई। इट मीन्स आप इसको कह सकते हैं 23 का 30% इक्वल होगा, तो देखो 10 से 10 हो गए। अगर मैं इसको 3 से गुणा करके और एक दशमलव लगा दूं, 3 किया 9
तीन तिया नौ, तीन दुनी छह, एक दशमलव लगा दिया, तो मैं बात करूं 23 का 30% कितना होता है 6.9। तो ये ऑफ का अर्थ होता है यहाँ पे गुना होता है, ऑफ का अर्थ होता है गुना, ऑफ भी आएगा या ऑफ की जगह आपका का भी आएगा, अगर आपका क्वेश्चन में पहले का आ जाए या ऑफ आ जाए, ब्रैकेट नहीं हो तो दूसरे नंबर पे का को सॉल्यूशन करेंगे, अगर ब्रैकेट हो तो फर्स्ट नंबर ब्रैकेट का होगा, सेकंड नंबर किसका होगा ऑफ का। फिर बाद में वो आपकी क्वेश्चन से डिवाइडेशन आएगा, भाग आएगा, फिर आपके में मल्टीप्लाई आएगा, फिर आपका एडिशन आएगा, और सबसे जो लास्ट स्थिति पे बैठा हुआ है वो आपका है माइनस, तो सबसे लास्ट में किसको हल करेंगे माइनस को, उससे पहले अपन प्लस को हल करेंगे, उससे पहले मल्टीप्लाई को यानी गुणे को हल करेंगे, और उससे पहले भाग को हल करेंगे, फिर ओ को हल करेंगे, फिर क्या करेंगे बी को हल करेंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पर प्रदत्त किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों इस पर अपन बात करते हैं, क्वेश्चंस लिखिए कि आपने उतार लिया, इस वाले पर भी उतार लिए, ये एग्जांपल भी उतार लिए, सारे आपको सिंबल्स में इंटरेस्ट बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन में पूछा जाता है। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाता हूं, लिखिए क्वेश्चंस फर्स्ट, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, देखो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट लिखने से पहले आप कुछ लिख लीजिए, लिख लीजिए दो इन प्रश्नों को, लिखिए इन प्रश्नों को हल करते समय निम्न, हल करते समय निम्न नियमों का प्रयोग करना चाहिए, निम्न नियमों का प्रयोग करना चाहिए। तो लिखिए नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट लिखिए, नियम नंबर फर्स्ट में क्या है, वो नियम नंबर फर्स्ट में ये है टाइप ए, देखिए टाइप नंबर ए में निर्देश अनुसार चिन्ह बदल कर, निर्देश अनुसार चिन्ह बदल कर समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना। टाइप नंबर ए में बात करेंगे कि निर्देश अनुसार जो आपको डायरेक्शन दिया होगा उसके अनुसार आप सिंबल होते हैं चिन्ह को बदल कर दी गई समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस करता हूं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट लिखिए कि चिन्ह के अनुसार कैसे समीकरण को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, यदि एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखिए, यदि प्लस का अर्थ क्या है डिवाइडेड माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई डिवाइडेड का अर्थ माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है। अब तो यहां पे बच गया आपका प्लस, क्या हो गया, कोई भी सिंबल दोबारा रिपीट नहीं होता है, इट मींस इस लाइन में कोई भी सिंबल दोबारा रिपीट नहीं होगा, कोई भी सिंबल दोबारा रिपीट नहीं होता। त्रिकोणे का अर्थ प्लस हो तो समीकरण, प्लस हो तो समीकरण, लिखिए समीकरण 20 डिवाइडेड 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 -2 = क्वेश्चन वाचक चिन्ह, = क्या है क्वेश्चन वाचक चिन्ह। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एग्जाम में आपको सेम लिया, आपको डायरेक्शन हो गया, ये आपकी क्या होगी दिशा निर्देश हो गया कि आपको जहां पे प्लस है वहां पे भाग करना है, जहां पे माइनस है वहां पे गुणा करना है, भाग है वहां पे माइनस करना है और गुणे को जगह का करना है प्लस करना है। देखो सबसे पहले अपना वर्ग बनता है, मैं दिए गए सिंबल्स के अनुसार, दिए गए निर्देश के अनुसार क्वेश्चन को मैं क्या
करता हूं, चेंज करता हूं। देखिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 20 है यहां पे भाग है, भाग को मैंने क्या लिखा माइनस, तो 20 माइनस 40, अब वो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भाग है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, नेगेटिव का अर्थ अपने पास में क्या है गुणा है, इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो मैंने इक्वेशन को चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार, चलते हैं अब निर्देश के अनुसार मैंने इनके सिंबल चेंज किए, अब मैं बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार चलता हूं, तो अपना बोर्ड मार्क्स कहता है डी है नहीं, ओ है नहीं, ओ भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या हल करना चाहिए, भाग हल करना चाहिए, सबसे पहले मुझे भाग हल करना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर मुझे प्लस करना चाहिए, लास्ट में मुझे माइनस करना चाहिए। तो देखिए अपन सबसे पहले भाग हल करते हैं, भाग वाला पार्ट ये रहा अपना, भाग वाला पार्ट है ये रहा, देखो मैं इस चार को इससे काटूंगा, चार एकम चार ये कितनी बार गया 10 बार गया, तो इक्वेशन 20 माइनस 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, देखो अब मैं इसके बाद में क्या करता हूं, भाग को मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं इसके बाद में किसको सॉल्व करता हूं, गुणा को, देखिए ये आ गया 5 दूनी कितने होते हैं 10, 5 दूनी कितने होते हैं 10, और ये देखो 20 माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू, देखो ये दोनों तो किसके हैं पॉजिटिव, 10 किसका है नेगेटिव का, 20 और 10 कितने होते हैं, देखिए 20 प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, देखो ये 10 है, ये 10 से 10 कट गए, ये 10 से 10 क्या हो गए कट गए, तो आंसर कितने आ गए आपके 20, अगर आप उसको डायरेक्ट नहीं काटोगे तो वैसे भी देखिए 20 प्लस 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू क्या है 20, तो 20 क्या है आपके आंसर है, 20 क्या है आपके आंसर है, अगर आपने एक भी सिंबल का ऊपर नीचे कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग होगा, आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग होगा। देखिए आंसर देख 20 आ गए आपके, अब नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, सबसे पहले सिंबल्स को चेंज करना है, फिर समीकरण को हल करना है, ओ को हल करना है, बी को हल करना है, डी को गुणा को प्लस को माइनस को हल करना है, लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि प्लस का अर्थ माइनस गुणा माइनस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ गुणा गुणे का अर्थ डिवाइडेड गुणे का अर्थ क्या हो रहा है डिवाइडेड पुट डिवाइडेड का अर्थ पॉजिटिव डिवाइडेड का अर्थ क्या है पॉजिटिव हो तो दी गई समीकरण लिखिए समीकरण 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 15 एडिशन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू। देखिए अभी अपने पास समीकरण है, मुझे सिंबल्स दिए गए हैं, तो सिंबल्स को मैं क्या करूंगा चेंज करूंगा, देखो यहाँ पे कौन बैठा है गुणा है, देखिए गुणे को मैंने क्या लिखा, तो गुणे को मैंने लिखा 15 डिवाइडेड बाय 3 15 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो डिवाइडेड का अर्थ मेरे पास में पॉजिटिव है, पॉजिटिव 15, प्लस का अर्थ मेरे पास में माइनस 5, और माइनस का अर्थ है मेरे पास में गुणा 2, इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू, देखिए अब मैं समीकरण का सॉल्व आउट करता हूं, तो मेरे पास में देखो भाग से ये बैठा, तो 15 को मैंने किया, तो अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूं तो 15 आ गए, तो कितने बार गया 5 बार, तो 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे 5 गुणा 2 कितना होता है 10, तो 15 प्लस 15 माइनस 10 इज इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव के 15, पॉजिटिव के 5 को नेगेटिव के 10, ये 15 5 कितने होते हैं 20 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके 10, इज इक्वल टू क्या हो गया आपके 10 आंसर होंगे, तो आपके आंसर क्या होंगे 10, आंसर क्या होंगे 10। अगर आप यहां से क्या करोगे 15 में से 10 निकालोगे तो 5 क्या हो गए 10 हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है नियम बैठ जाता है, कुछ क्वेश्चनों में नियम नहीं बैठ पाता है,
तो आपको बोर्नमास के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। बोर्नमास के नियम के अनुसार क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, इसका इस क्वेश्चन से वो उतार लीजिए। देखो फिर से देखिए, प्लस का अर्थ मेरे पास माइनस था, तो जहां पे मेरे पास प्लस था वहां मैंने माइनस कर दिया, जहां पे माइनस था वहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पे मल्टीप्लाई था वहां पे मैंने डिवाइडेड कर दिया, और जहां पे डिवाइडेड था वहां पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल बोर्ड मास के अनुसार मैंने चला और मेरे आंसर क्या है, 10। आंसर क्या है, 10। आगे वाला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। यदि यदि प्लस हो तो समीकरण 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 एडिशन 6 इक्वल क्या होगा। देखिए ये समीकरण है, सबसे पहले अपने को सिंबल चेंज करना है, जहां डिवाइडेड है वहां पे मुझे प्लस करना है, तो 20 प्लस 40। माइनस है वहां पे क्या करना है, मुझे गुणा करना है, माइनस है वहां पे मुझे गुणा करना है, गुणे की जगह मुझे क्या करना है, डिवाइडेड करना है, और प्लस की जगह मुझे क्या करना है, माइनस करना है, इक्वल। देखो अब मेरे पास में अगर इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले डिवाइडेड बैठा है तो डिवाइडेड को हल करेंगे। यहाँ ऐसे मत कर देना कि इन दोनों को गुणा करके आप लिख दो और फिर उसको 5 से डिवाइडेड करोगे। 5 से डिवाइडेड करते ही आपका उत्तर यही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोर्ड मास के रूल के अनुसार नहीं चलोगे। जल्दबाजी में क्या होते हैं, देखो जल्दबाजी में आप इसको 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, करने के बाद इसमें एडिशन करोगे, फिर उसको 5 से डिवाइडेड करोगे और फिर घटाओगे। ये ऐसा करने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 4 क्या है, 4 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। अब आपको पता है कि 4 कम है और 5 ज्यादा है, भाग जाता नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस कंडीशन में हम ये करेंगे, 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब देखो ये 5 है ना, 40 से घटता है, 5 बन जा 1 और 5 को 5 का 12 कितनी बार बोलिए 40 हो जाए, तो 8 पंजे कितने होते हैं 40, तो 5 एट जा कितने हो गए 40। अब देखो मैंने इसको हल कर लिया, मेरे पास बच गया 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस क्या हो गया, 6। देखो 800 कितने होते हैं, 32। 20 प्लस 32 माइनस 6। अब देखिए माइनस के तो 6 है और प्लस के 20 और 32 है, दोनों का एडिशन कितना होता है, 3 और 5 52 माइनस 6 इज इक्वल टू। देखो घटाने का नियम देखिए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो इसमें से मैं 2 इससे उधारा ले लेता हूँ, और मेरे पास भी 2 था, वो इससे को जो उधारा लिया वो मैं बराबर हो गया, क्योंकि मैंने भी उसको 2 रुपए उधार दे दिए। तो देखो अब 2 रुपए उधार दे दिए, तो ना तो उससे मैंने पैसे लिए ना उसने मुझसे पैसे लिए, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मेरे पास इसके पास 4 रुपए बच जाते हैं, मेरे पास 50 रुपीज बच जाते हैं, इसको मुझे 4 रुपए देने हैं, तो मेरे पास में कितने हो गए, 46 कितने हो गए, 46 क्या होगा आपका आंसर होगा, 46 क्या होगा आपका आंसर होगा। देखो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, 400 कितने होते हैं, 416 160 और 180 को 5 से डिवाइडेड करते और फिर माइनस 6 करते, तो आपका आंसर 46 नहीं आता, आपका आंसर 46 नहीं आता, जो कि क्या होता, गलत होता, जो कि क्या होता, गलत होता। हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे लगभग कैंडिडेट भी क्या होते हैं, गलत होते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में चलते हैं और जो चीज अपने को वो कहते हैं कि ये चीज आती है वही सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। तो इन चीजों में बोर्ड मास का नियम के अनुसार क्या करना पड़ेगा, अपने को चलना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4
यदि प्लस का अर्थ माइनस गुणा का अर्थ डिवाइडेड डिवाइडेड का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस हो तो समीकरण थर्टी मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए दी गई समीकरण को सबसे पहले जो अपने को निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो जहां मल्टीप्लाई है वहां पर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइडेड कर दूं, तो 30 डिवाइडेड बाय 40 जहां पे डिवाइडेड है वहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे मैं डिवाइडेड कर दूं। माइनस की जगह मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, और प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इज इक्वल टू देखिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ये क्या है मेरे पास में 30 है, ये क्या है मेरे पास में 30 है। देखिए 30 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 प्लस क्या है 6 है माइनस क्या है 2 है। देखो 30 को मैंने पहले भाग दिया 40 को, 30 बटे 40 मल्टीप्लाई 5 था, मल्टीप्लाई किया था मेरे पास 5 था, लेकिन इस 5 को भी 5 से क्या करना है, डिवाइडेड करना है। 5 को भी क्या करना, 5 से डिवाइडेड करना है। देखो ये 5 से तो 5 बाय डिवाइडेड हो गया, क्या आ गया 1 हो गया, ये 0 से 0 हो गया, 0 से क्या हो गया 0 हो गया, यहां से आपके पास क्या बच गया 3/4 प्लस 6 माइनस 2। अब देखो यहां पे आपका क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा तीनों नंबर्स का। यहां पे मैं 1 लगा देता हूं, यहां पे 1 लगा देता हूं, इज इक्वल टू क्या होता है इसका लघुत्तम लेता हूं, 4 इसका क्या आ गया लघुत्तम आ गया। देखो यहां पे तो क्या हो गया आपका 4 बैठा है, यहां पे तो 3 के ऊपर क्या चल गया 1 चल गया। नेक्स्ट में देखो यहां पे 3 है, 3 चल गए, यहां पे सॉरी 4 चल गए, यहां पे क्या हो गया 4 चल गए। 6 चौका कितने होते हैं 24, 6 चौका 24 और 2 के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 में कितने हो गए 8 है। ये भूल मत कर लेना कि 2 को की पावर 4 मत समझ लेना है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। देखो ये हो गए, अब मेरे पास इन सबको क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए अपने इक्वेशन 3 प्लस 24 माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 24 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो 4 और 3 क्या होता है 7 होता है। 27 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 19 अपॉन क्या हो गया 4, 19 क्या होगा 4 हो गया, जो भी क्या होगा आपका आंसर हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इसको घुमा के देता है, कैसे घुमा के देते हैं, देखो 4 चौक 16, 4 चौक कितने हो गए 16 हो गए, कितने बच गए 3 बटा क्या हो गए 4 हो गए, ये आपको क्या हो गया एग्जाम में आंसर मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना ना, क्योंकि ये इसके आगे वाली स्टेप है, ये इसके क्या आगे वाली स्टेप है, या तो आपको ऑप्शन में 19/4 मिलेगा या आपको मिलेगा 4 से 3/4 हो गया। ये जिस संख्या से मैंने भाग दिया वो संख्या है, ये मेरे पास में रिमाइंडर है, सेंसिबल है, ये जितनी बार भाग गया वो वो अगर इन दोनों को मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूं 416 3 19/4 ही होते हैं, तो आपका आंसर क्या है 19/4। देखिए टाइप बी, नेक्स्ट टाइप डालिए टाइप नंबर बी, इसको उतार लीजिए और टाइप बी नोट कीजिए। टाइप बी में देखिए आपके पास टाइप बी में कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो टाइप बी में अभी तक अपने पढ़ा कि डायरेक्ट अपने को निर्देश दिया था कि प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, लेकिन टाइप बी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड होगा, इससे थोड़ा क्या होगा विपरीत होगा। अब ये क्या करेंगे, वो आपस में स्थान बदलेंगे, और आपको 4 इक्वेशन दी जाएंगे एग्जाम के अंदर, उन इक्वेशन को दोनों पक्ष क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। वो इक्वल कब होगा, आपको दिए गए सिंबल्स के अंदर क्या करने पड़ेंगे, लगा के देखने पड़ेंगे कि दोनों पक्ष कौन से सिंबल से होता है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई से होता है, गुणा भाग से होता है, या गुणा माइनस से होता है, किससे होता है। देखिए टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर बी में क्या है, टाइप नंबर बी लिखिए आपस में स्थान बदल कर, आपस में स्थान बदल कर लिखिए
चिन्हों को पहचानना, लिखे चिन्हों को पहचानना, लिखे चिन्हों को पहचानना। देखो इसमें क्या होगा, देखो इस टाइम मैंने आपको बताया था कि सिंबल्स भी होंगे, उनको आपस में क्या होगा, स्थान बदलेंगे, और स्थान बदलने के बाद दोनों साइड कब इक्वल होंगी, तो उस कंडीशन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए गए समीकरण में एग्जांपल के दी गई समीकरण में कोई दो चिन्ह को दी गई समीकरण में कोई दो चिन्ह को आपस में बदलकर, कोई दो सिंबल्स को आपस में कन्वर्ट करके या बदल करके लिख दिया गया है, आपस में बदल करके लिख दिया गया है, लिख दिया गया है, तो इन्हें पहचान कर, इन्हें पहचान कर पूछे गए, इन्हें पहचान कर पूछे गए प्रश्नों के या प्रश्नों के आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। लिखिए इक्वेशन, इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए, लिखिए 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई ए -2 -10 -2 तो यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए एक बार के लिए, +2 -10 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 13 आ गए। देखो अब इस इक्वेशन को हल करना है, और हल करने पे अपने को क्या लेके आना है, 13 लेके आना है कि 13 कैसे आएगा, 13 कैसे आएगा। देखिए इसके डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखिए इसका, ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस पे होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखिए। सबसे पहले लिखा प्लस और भाग लिखा है, भाग को प्लस लिख दिया। सेकंड ऑप्शन लिखिए, सेकंड नंबर में कौन सा सिंबल है, डिवाइडेड और मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर का ऑप्शन लिखिए, गुणा और माइनस। फोर्थ नंबर का ऑप्शन लिखिए माइनस और प्लस। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया होगा, यानी इक्वेशन दी होगी, और ये आपके ऑप्शंस हैं एग्जाम में से यूं आएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसे कौन से ऑप्शन को रखें, दो चिन्ह रखे जाएंगे कि प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं या माइनस की जगह मैं प्लस कर दूं, तो दिए गए समीकरण का मान, दिए गए समीकरण का मान 13 आ जाए मेरे पास, तो दिए गए समीकरण का मान 13 कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए, मैं अगर सबसे पहला ये सिंबल लेके चलता हूं, सबसे पहला सिंबल क्या लिखा हूं कि अगर मैं भाग की जगह मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले जो मेरे पास भाग था उसकी जगह मैं प्लस कर दूं, भाग की जगह क्या कर दूं और सेकंड ऑप्शन को मैं क्या कर दूं, प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया भाग कर दिया। तो देखिए दी गई इक्वेशन की कल हल करते हैं, ओनली दो ही सिंबल चेंज करने हैं, या तो इसको करूंगा या इनमें से, इन दोनों में से एक दो से ज्यादा मैं सिंबल चेंज नहीं कर सकता। देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहां पे क्या लिखा, प्लस को मैंने क्या, भाग को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये सिंबल मैंने चेंज किए फर्स्ट में, तो ये सिंबल किसके अंदर बैठे हैं, फर्स्ट वाले के अंदर। देखो 3 प्लस की जगह भाग कर दिया मैंने, भाग की जगह प्लस कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 8 यहां पे प्लस था, प्लस की जगह मैंने वापस भाग कर दिया, -10 = 13। अब देखिए अपने को दोनों पक्ष को इक्वल करना पड़ेगा। देखो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ सबसे पहले डिवाइडेड भी है और आपका मल्टीप्लाई भी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला के अनुसार आपको डिवाइडेड को हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, नेक्स्ट 10 में 2 1 2 2 4 8, तो 3 + 5 = 4 - 10 = 13। देखो 5 और 3 कितने होते हैं, 5 का 20 - 10 = 13। ये मेरे पास 20 पॉजिटिव है, 3 भी मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन 10 क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, इन दोनों को जोड़ा मेरे पास में कितना आ गया, 23 - 10 = 13।
is equal to क्या हो गया 13, तो 13 is equal to क्या हो गया 13, it means NHS और RHS दोनों साइडें, NHS और RHS दोनों साइडें क्या हो गई, equal हो गई, both sides equal हो गई। तो देखो कौन सा सिंबल था, मैंने सबसे पहले भाग और प्लस किया, तो सबसे पहले सिंबल्स को करने से मेरे पास दी गई इक्वेशन को, दी गई इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि मैं यहां फर्स्ट और थर्ड वाले को ही करूं, सेकंड और फोर्थ वाले को कर लूं, लेकिन आपको एग्जाम में सारे सिंबल्स लगा के देखने पड़ेंगे, सारे सिंबल्स लगा के देखने पड़ेंगे, जिस सिंबल से आपका आंसर आता है, जिस सिंबल से आपका इक्वेशन LHS और RHS दोनों साइड इक्वल होती है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। उतार दीजिए समीकरण को, दोनों साइड है तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका राइट है। आपकी उससे नंबर सेकंड लिखिए, ये क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड 42 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 55। अब देखो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, सेकंड ऑप्शन में देखिए गुणा और माइनस, गुणा और माइनस, थर्ड ऑप्शन में देखिए भाग और प्लस, सॉरी भाग और गुणा, फोर्थ ऑप्शन में देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। दी गई इक्वेशन और LHS और RHS दोनों साइडों की करनी पड़ेगी आपको, इक्वल करनी पड़ेगी, ये आपके पास इक्वेशन दी होगी, आपके पास ऑप्शन दी होगी। देखो अगर ऑप्शन किसके ऊपर चलते हैं, अगर मैं गुणे की जगह मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या कर दूं डिवाइडेड, मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या कर दिया डिवाइडेड, मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइडेड कर दूं, मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या कर दूं डिवाइडेड कर दूं, और मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या किया डिवाइडेड किया, और डिवाइडेड की जगह मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइडेड की जगह मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो मैंने कौन सा ऑप्शन पे किया, ऑप्शन नंबर देखिए प्लस और सॉरी गुणा और भाग किसमें है, गुणा और भाग, देखो गुणा और भाग इसमें है, गुणा और भाग इसमें है, बाकी में तो गुणा है, माइनस है, गुणा और प्लस है। अब देखो दी गई इक्वेशन को मैं अगर हल करता हूं तो लिखिए 42 माइनस 16 मल्टीप्लाई की जगह मैंने डिवाइडेड कर दिया, प्लस की जगह मैंने कुछ भी नहीं किया, 7 डिवाइडेड की जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इजी कर दूं क्या होगा 55 है। अब देखो समीकरण को हल करते हैं, ये मेरे पास में देखो तो 42 माइनस 16 बटे 2 प्लस, इसको भी मैं यहां से गुणा कर देता हूं, 21 इक्वल टू 55। देखो इसको मैंने काटा 8 टाइम का, तो 42 माइनस 8 प्लस 21 इक्वल टू 55 इक्वल टू क्या होगा 55 होगा। देखो ये सारे प्लस के हैं, ये सारे क्या हैं प्लस के हैं, 42 प्लस 21 माइनस 8 इक्वल टू 55। देखो 55 आते हैं नहीं आते हैं, 42 कितने हो गए 63 माइनस 8 इक्वल टू 55 इक्वल टू क्या होता है 55। देखो 63 में से मैं 8, तो यहां पे सेकंड में इसमें से 8 निकाल देता हूं तो मेरे पास में कितने बचते हैं 5, और 60 में से 5 है तो 55। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, मैंने कौन सा चेंजिंग किया, भाग और गुणा का, भाग और गुणा का किया, तो भाग और गुणा का किया, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 से क्या आता है 55 55 इक्वल टू क्या होगा 55, यानी LHS और RHS क्या होगा आपका इक्वल होगा, बोथ साइड क्या होंगे इक्वल होगा। इस टाइप के आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, इस टाइप के आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। उतार लीजिए इस क्वेश्चंस को उतार लीजिए, सबसे पहले यहां से उतारिए, फिर आप ये ऑप्शंस लिखिए, फिर आपको आप चाहो
तो मैं फर्स्ट ऑप्शन से निकल के दिखा दूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन से देखो, यहां अगर मैं सबसे पहले वाले को चेंज करके देखता हूं कि 42 माइनस की जगह मैं प्लस कर दूं, माइनस की जगह मैं प्लस कर दूं, और मैं यहां पे प्लस की जगह गुणा कर दूं, प्लस की जगह गुणा कर दूं, तो देखो यहां पे प्लस की जगह मैंने गुणा कर दिया, तो 7 2 14, 7 2 कितने हो गए, 14 गुणा 16 नहीं आएगी 55, क्योंकि 14 गुणा 16 का मतलब हो गया कि 14, तो 6 को मैं 4 से गया तो 20 20 ये 200 250 के इर्द गिर्द जाएगा, 200 250 के इर्द गिर्द जाएगा अगर इसमें से मेरे पास में भाग दिया मैंने और ये 42 बताया तो मेरे पास 55 नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन लिखिए 50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 17 × 2 17 × 2 माइनस 12 इजीबल टू क्या हो गया 10 इजीबल टू क्या हो गया 10 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखिए कि मैं प्लस और गुणा। ऑप्शन नंबर सेकंड है गुणा और माइनस। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए प्लस और गुणा। ऑप्शन नंबर फोर है माइनस और आपका क्या है प्लस है। अब देखिए दिए गए इक्वेशन के अनुसार मुझे आपस में दो सिंबल्स को क्या करना है, चेंजिंग करना है। चेंजिंग करने के बाद मुझे मान क्या निकालना है, 10 मान निकालना है। देखिए सबसे पहले लेता हूं मैं, अगर डिवाइडेड की जगह मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, डिवाइडेड की जगह प्लस कर दिया और डिवाइडेड की जगह मैंने आपको प्लस कर दिया, डिवाइडेड की जगह मैंने आप क्या किया प्लस कर दिया और प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो देखिए 51 डिवाइडेड की जगह मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा, डिवाइडेड की जगह मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा। देखो तो इस ऑप्शन से अब देखो ये अपन ने किया लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए भाग और प्लस के ही है, ऑप्शन में नहीं है, प्लस तो है लेकिन भाग नहीं है। तो देखिए दी गई इक्वेशन को पहले सॉल्व आउट करते हैं और फिर थोड़ा आगे चल के अपन इसको बैठेंगे। 51 से भाग दिया तो 3 × 3 और 17 के 51 होते हैं तो 17 + 17 × 2 − 12 = क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो मैं अगर अब इस सिंबल को बात करता हूं तो मैंने प्लस की जगह मैं क्या कर दूं, देखो प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन देखो मेरे पास बैठा था। अब देखो इस इक्वेशन को होल कर सॉल्व करता हूं, देखो अपने को कहां कुछ चेंजिंग करने की है। देखिए इसको मैंने 17 + 17 कितने होते हैं 34 माइनस 12 में इजीबल टू क्या होगा 10 होगा। तो देखो 17 34 और 17 कितने हो गए 3 × 4 40 और 47 और 51 कितने हो गए 51 हो गए माइनस 12 में इजीबल टू क्या है 10 है। अब देखो आपके पास अगर मैं 51 में से 12 घटा दूं तो मेरे पास में 10 नहीं आते हैं, तो आपको यहां से देख के कुछ लग रहा होगा कि मैं कौन सी समीकरण का क्या करूं। देखो यहां से आपको लग रहा होगा, सेकंड स्टेप से देखिए, इस स्टेप पे ध्यान दीजिए। देखो इस स्टेप से आपको लग रहा है अगर मैं प्लस की जगह में क्या कर दूं गुणा कर दूं या मैं भाग माइनस कर दूं, प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं और गुणे की जगह मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास मान आएगा नहीं आएगा। देखिए अब इसको हल करते हैं तो अपने पास 17 + 17 हो गई इनटू
की जगह मैं क्या करता हूं, माइनस करता हूं। सबसे पहले मैंने देखिए दी गई इक्वेशन में मैंने गुणे की जगह माइनस किया, गुणे की जगह मैंने क्या किया माइनस किया, और गुणे की जगह मैंने क्या किया माइनस किया, माइनस किया और माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया, माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब जो दी गई इक्वेशन को हल करते हैं, मुझे क्या करना है गुणे की जगह तो माइनस करना है। देखो 17 और 17 कितने होते हैं, 17 प्लस 17 गुणे की जगह मैं माइनस करता हूं 2, माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया, इज इक्वल टू मेरे पास कितने बचते हैं 10। देखो 17 और 17 कितने होते हैं 34 होते हैं, 17 और 17 कितने होते हैं 34 होते हैं, माइनस 12 दूनी कितने होते हैं 24, इज इक्वल टू क्या हो गए 10 हो गए, इज इक्वल टू क्या हो गए 10 हो गए। अगर 34 में से मैं अगर 24 घटा दूं तो मेरे पास कितने बचते हैं 10 बचते हैं, कितने बचते हैं 10 बचते हैं। अब देखो अपन ने इक्वेशन को यहां तक हल किया लेकिन अपना आंसर 10 नहीं आ रहा, तो अब मुझे 20 में जैसे मुझे हल किया तो हल करने में मुझे पता लगा कि मैं अगर यहां पे नो चेंजिंग, यहां फर्स्ट वाले में नो चेंजिंग कर दूं, सेकंड वाले की जगह मैं अगर माइनस कर दूं और माइनस की जगह मैं गुणा कर दूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, मैंने किस-किस को चेंजिंग किया ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड से देखो आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने गुणा को चेंज कर दिया माइनस में और माइनस को चेंज कर दिया प्लस, माइनस को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, चेंज करने के बाद मेरे पास देखो यहां 4 में से 4 गए तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1, इज इक्वल टू ये तो 10 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 10। तो दी गई इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड क्या है इक्वल है, दोनों साइड क्या है तो सिंबल नंबर साइकिल को। अब आप एग्जाम में करोगे कैसे, एग्जाम में कैसे करोगे आपको क्या पता कि फर्स्ट नंबर आएगा सेकंड नंबर आएगा, तो एग्जाम में सर्वप्रथम आप दी गई इक्वेशन को हल करेंगे, सिंबल्स में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इक्वेशन को हल करने के बाद आप थर्ड या फोर्थ स्टेप पे जाके देखना कि किस चिन्ह को मैं चेंजिंग करूं, कि अगर मैं प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं, माइनस की जगह अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास जो इक्वल में आगे मान है इक्वल के आगे जो वैल्यू दी हुई है वो पहले वाली वैल्यू के एक समान हो जाए, यानी पहले वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो मैं ऐसा कौन सा सिंबल चेंज करूं, प्लस को माइनस करूं, माइनस को प्लस करूं, प्लस को गुणा करूं या गुणे को भाग करूं दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, तो यहां पे आपको आइडेंटिफाई होगा, यहां पे आपको पता लगेगा कि अगर मैं इस गुणे को मैं माइनस कर दूं और माइनस को मैं गुणा कर दूं तो दिए गए नियम के अनुसार चलने पे मेरे पास में LHS और RHS दोनों साइड क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, दोनों साइड क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, इक्वेशन 24 भाग 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल 8। अब देखो सिंबल्स देखिए मेरे पास, ऑप्शंस देखिए इसके, लिखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, ऑप्शन नंबर सेकंड लिखिए गुणा और माइनस, गुणा और माइनस, थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए भाग और गुणा, थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए भाग और आपका गुणा हो गया, फोर्थ नंबर ऑप्शन देखिए प्लस और भाग हो गया, प्लस और क्या हो गया भाग हो गया। देखिए सबसे पहले मेरा नियम क्या कहता है, सबसे पहले अपना नियम कहता है अगर मैं दी गई इक्वेशन को हल करने पे मुझे पता चलेगा कि किस सिंबल्स को मैं चेंज करूं कि मुझे दी गई वैल्यू का मान 8 प्राप्त हो जाए। देखिए यहां पे मैंने कितने का 24 भाग 16 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। देखो 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 416 4 को भी 4 सत्ता 24, 2 से कट रहा है 2 4 2 2 4 2 3 6 3 3 9 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 2। अब देखो इस 2 से ये 2 नहीं कट रहा, तो देखो लास्ट वाला तो 2 है, लास्ट वाला तो 2 है, उस 2 से 2 इसको नहीं उड़ाएंगे। देखो यहां पे मैंने एक ऑप्शन ले लिया, यहां पे एक ऑप्शन ले लिया, तो 2 इसके ऊपर चल गए, 2 इसके ऊपर चल गए, 2 2 4 2 2 4 तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया नीचे आपका 9/9 का वाला 2 हो गया, आपका मान यहां पे नहीं आ रहा। अब देखिए दी गई सिंबल किस प्रकार आप चेंज करोगे कि आपकी वैल्यूज क्या हो जाए 8 आ जाए। देखिए मैं आपको क्या करना पड़ेगा, दी गई क्वेश्चंस में आपको कौन सा सिंबल चेंज करें आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा,
आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस में। यहां पे ये 16 की जगह आप 6 करना, क्योंकि अगर मैं 6 करूंगा तभी मेरे पास में 8 वैल्यू आएगी, 16 से तो वैल्यू दूसरी आ रही है, 16 से वैल्यू दूसरी आ रही है, थोड़ा डिफिकल्ट कर जाता है। देखो आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए 6 से किया 6 × 6 = 6 कितना हो गए, 6 × 6 कितना हो गए 24 हो गए, 4 × 3 + 2 − 2 ये 2 से 2 बैठ गया = 8, 4 3 कितने होते हैं 12, 4 3 12 होते हैं। अगर 12 में मैं यहां पे इन दोनों के बीच में गुणा कर दूं, 2 गुणा 2 कर दूं और इस प्लस की जगह में माइनस कर दूं तो 12 में माइनस 4 = 8, यस या नो? आगे आपका आंसर देखिए कैसे आया। अगर मैं प्लस को मैं माइनस कर दूं और माइनस को मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर मैं प्लस की जगह तो मैंने आपको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और माइनस की जगह मैंने आपको क्या कर दिया, गुणा कर दिया, माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो रूल नंबर फर्स्ट आपका फॉलो कर रहा है दी गई इक्वेशन को, देखिए 4 × 3 − 2 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 − 2 = 4 = 8, तो 12 में से 4 गए 8 = 8 इक्वल, दोनों साइड क्या हो गया आपकी इक्वल हो गई, LHS और RHS दोनों साइड क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई। तो देखो अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं और माइनस की जगह मैं गुणा कर दूं, माइनस की जगह गुणा कर दूं, तो रूल नंबर फर्स्ट मेरे को फॉलो कर रहा है जिससे मेरा LHS और RHS दोनों साइड का मान क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों साइड का मान क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। एक और ऑप्शन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, फिर अपन करते हैं टाइप नंबर सी की बात। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 19 − 3 multiply 4 + 24 divided by 2 = 19. ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखिए भाग और गुणा ऑप्शन नंबर सेकंड लिखिए प्लस और माइनस, थर्ड नंबर लिखिए प्लस माइनस और गुणा लिखिए, फोर्थ नंबर ऑप्शन लिखिए माइनस और भाग लिखिए। देखिए अब दी गई इक्वेशन के अनुसार चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं इक्वेशन को हल करूंगा, मेरे पास में भाग है तो यहां कर लिया, देखो 12 हो गए, इसका क्या मान होगा, 12 हो गया, 3 4 कितने हो गए 12, 19 − 12 + 12 = 19 = 19। देखो ये इससे मर गया और 19 = 19। एक में आपको दिए गए ऑप्शन में प्लस को माइनस कर दिया, प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपका क्या हो गया, अब आपको दी गई इक्वेशन का मान दोनों तरफ से इक्वल आ गया, बट आपको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। देखिए अगर मैं प्लस की जगह यदि मैं प्लस की जगह क्या कर दूं, प्लस की जगह तो मैं आपको देखिए 19 + 3 कर दूं, मैं माइनस की जगह मैं क्या कर दूं प्लस कर दूं, माइनस की जगह मैंने क्या किया, प्लस किया, और माइनस की जगह मैंने प्लस किया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, और प्लस की जगह मैंने क्या कर दूं, माइनस कर दूं, प्लस की जगह मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। देखिए अब दी गई इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं, दी गई इक्वेशन को फिर से सॉल्व आउट करते हैं, सिंबल चेंज करके अपने को LHS और RHS वैल्यू निकालनी है, LHS और RHS वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं माइनस को प्लस कर दूं 19 + 3 − 24 − 24 / 2 = 19। देखो 19 और 3 कितने होते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो 19 + 4 = 12 − 12
देखो चार तीन बारह, चार तीन बारह माइनस चौबीस को भाग दो से दिया बारह इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में उन्नीस, तो देखिए ये बारह से बारह कट गए उन्नीस इज इक्वल टू क्या हो गया उन्नीस, एक में से एलएसएस और आरएसएस दोनों साइड क्या होगी आपकी इक्वल होगी, कौन सा सिंबल अगर मैं माइनस को प्लस कर दूं प्लस को माइनस कर दूं विपरीत चिन्ह को मैं इनको एडिशन कर दिया तो मेरे पास एलएसएस और आरएसएस दोनों साइड की क्या होगी वैल्यू इक्वल होगी। टाइप नंबर सी लिखिए, इस क्वेश्चन को उतारिए, इसकी बात करते हैं टाइप नंबर सी की। देखो टाइप नंबर सी क्या कह रहा है, इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा टाइप नंबर सी में, टाइप नंबर सी में लिखिए टाइप नंबर सी, तारा किंग, तारा के चिन्हों के आधार पर, तारा के चिन्हों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर स्थान बदलना, चिन्हों के आधार पर स्थान बदलना, स्थान बदलना। टाइप नंबर सी लिखिए, तारा के चिन्हों के स्थान पर के आधार पर स्थान बदलना। तो देखिए क्वेश्चन इसका, इसका क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल देखिए इसका फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, फोर स्टार थ्री, फोर स्टार थ्री स्टार ट्वेंटी फोर स्टार ट्वेंटी फोर स्टार टू स्टार टू, ये आपका इक्वेशन दिया होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखिए प्लस इक्वल माइनस, सेकंड ऑप्शन लिखिए, सेकंड ऑप्शन लिखिए माइनस गुणा इक्वल माइनस, थर्ड ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड लिखिए आपका भाग और गुणा, भाग इक्वल क्या हो गए गुणा हो गए, और ऑप्शन नंबर फोर लिखिए, ऑप्शन नंबर फोर है गुणा और, गुणा और भाग। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में लिखने से पहले समझ लीजिए इसको, इस प्रकार के प्रश्नों में तारा के जो सिंबल्स होंगे इनकी जगह आपको क्या लगाना चाहिए, कि इनकी जगह प्लस करना चाहिए या गुणा करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, भाग करना चाहिए, जिससे कि इक्वल व आगे वाले वैल्यू दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाए, सेम पहले वाले की तरह एलएचएस और आरएचएस वैल्यू वहां पे लास्ट की वैल्यू का क्या आपको मान दिया होता है, आपको मिड वाले सिंबल चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहां आपको सारे सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, फर्स्ट में कोई सिंबल नहीं है, सारे तारांकित है, सारों को अलग सिंबल से दर्शाया है कि किस संख्या के बीच में कौन सा सिंबल लगाऊं एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में कौन सा सिंबल लगाऊं, जिससे कि मेरे पास दोनों वैल्यू दोनों साइड का मान क्या हो इक्वल हो गया, आरएचएस और एलएचएस दोनों साइड क्या हो इक्वल हो। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले की जगह इसको मैं 4 मल्टीप्लाई 3 कर दूं, 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 अब मिड में मेरे पास में इज इक्वल टू क्या होगा 24 इज इक्वल टू क्या 24 इज इक्वल टू 24 24 अब देखो 4 की 12 है इज इक्वल टू अगर मैं इसको डिवाइडेड कर दूं, इसका मैंने क्या कर दिया डिवाइडेड कर दिया, तो मैंने देखो क्या किस किस का सिंबल चेंज किया मल्टीप्लाई का और डिवाइडेड का, तो ऑप्शन नंबर मैंने इसमें किसका ऑप्शन किया गुणा और डिवाइडेड का, देखो फोर्थ नंबर ऑप्शन का मैंने इसमें यूटिलाइज किया, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने पहले तो क्या कर दिया गुणा किया है फिर बाद में मैंने भाग, ये नहीं है कि आप पहले भाग ले लो फिर गुणा ले लो, तो ऑप्शन नंबर थ्री भी बैठा है, फोर के समतुल्य थ्री भी ऑप्शन बैठा है बट थोड़ा चेंजिंग है। देखिए चार के कितने हो गए 12 इज इक्वल टू 24 बटा 2 तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा 12 12 इज इक्वल टू क्या होगा 12 तो एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों साइड क्या होगी इक्वल होगी, दोनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। देखो जब दोनों साइड इसकी इक्वल हो गई तो किस सिंबल्स के अनुसार भी सिंबल नंबर 4 के अनुसार कि सबसे पहले मैंने गुणा किया फिर मैंने इक्वल लगाया इक्वल के आगे मैंने सिंबल्स डिवाइडेड का लिया तो मुझसे मुझे क्या हुआ 12 इज इक्वल टू 12 मान प्राप्त हो गया एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड का मान हो गया इक्वल प्राप्त हो गया। तो उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए,
क्वेश्चंस नंबर सेकंड लिखिए ए स्टार फोर स्टार टू स्टार टू स्टार टू स्टार टू स्टार टू स्टार टू इक्वल टू टेन इक्वल टू टेन है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे सिंबल्स फर्स्ट सिंबल लिखिए फर्स्ट सिंबल्स प्लस माइनस गुणा और भाग प्लस माइनस गुणा और भाग ऑप्शन नंबर सेकंड लिखिए ऑप्शन नंबर सेकंड लिखिए गुणा भाग माइनस और प्लस ऑप्शन नंबर थर्ड लिखिए आपका गुणा माइनस प्लस और भाग ऑप्शन नंबर फोर लिखिए प्लस इज इक्वल डिवाइडेड और मल्टीप्लाई। अब देखो अभी तक तो आप एक ही सिंबल दो सिंबल चेंज कर रहे थे लेकिन आपको आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे फिर गुणा करोगे फिर मैं भाग कर दूं। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो इस क्वेश्चन में देखिए कौन से ऑप्शन के अनुसार होता है। मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेके चलूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट से देखिए फर्स्ट ऑप्शन से देखिए ए फर्स्ट ऑप्शन से देखिए ए सबसे पहले अगर मैंने प्लस किया प्लस 4 फिर मैंने माइनस किया माइनस 2 फिर मैंने भाग किया भाग 2 और फिर मैंने यहां पे गुणा कर दिया और फिर मैंने भाग कर दिया इज इक्वल टू मेरे पास क्या होना चाहिए 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अनुसार चलता हूं। देखिए अभी तक मैंने आपको चारों ऑप्शन में एक साथ हल करके नहीं दिखाए लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको चारों ऑप्शन एक साथ हल करके दिखाऊंगा कौन से ऑप्शन से बैठता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन से देखो अब यहां पे देखो 8 8 + 4 देखो 2 ये भाग रहा है 2 2 कितने हो गए 1 1 क्या हो गए -2 इज इक्वल टू क्या हो गए 10। देखो 8 और 4 कितने होते हैं 12 12 -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको फॉलो कर गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो गया फॉलो कर गया। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पहले वाले ऑप्शन से आंसर सिद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आपका क्या होगा सिद्ध हो गया कि अगर मैं फर्स्ट में प्लस कर दूं सेकंड नंबर पे मैं माइनस कर दूं थर्ड नंबर पे मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं फोर्थ नंबर पे एडिशन कर दूं और फिर अगर मैं इक्वल में रखता हूं तो मेरे पास मान क्या होता है LHS और RHS LHS और RHS दोनों साइड का मान होता है इक्वल होता है दोनों साइड का मान क्या होता है इक्वल होता है दोनों साइडों का मान क्या होता है इक्वल होता है। देखिए इसका टाइम तो ना सीखे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं अगली क्लास में। इसके बाद ये टाइप सी डी है वो कल करेंगे अपन अगली क्लास में।